ओह आयुष्मान भव, क्या है बाली के? तुझे अरेस्ट करने आई हूँ। देश का भला हो, जनता का भला हो, तुम्हारा भला हो और तुम्हारे सरकार का भला हो, इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ और इसे तुम बिगाड़ रही हो। तेरी बेची हुई नकली दारू पीकर 400 लोग मर गए, भला कर रहा है तू? शिव शिव, मेरे जैसे लक्ष्यवादी का लक्ष्य तुम नहीं समझ पाओगी। लक्ष्यवादी कौन तू? हर वक्त पैसे के लिए नीच काम करने वाला तुझे? यज्ञ पूजा मंत्र ये सब किस लिए? दुनिया को फंसाने के लिए क्या? समझती नहीं हो तुम, समझती नहीं हो। कितना बार भी बोलूं तुम्हें समझ में नहीं आता है। शराब मिटाओ करके प्रचार कर रही हो। शराब ही जब तक है तब तक शराब कैसे मिटेगा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। पहली बार कितने मरे? कल तक 390 मरे थे और आज सवेरे 400 पूरे हो चुके हैं। अधर्मी न्याय के बारे में बोलता है तुझे? निकाल रहे फोन लेकर आ। लीजिए। मैं बैठे बैठे देख तुझे निकालता हूँ। मैं दानवीर दादा बोल रहा हूँ, तुम सबके लिए दानवीर, मगर आपके पुलिस के लिए दादा। आपने जब पार्टी बनाया तो बंडल बंडल दिया, इलेक्शन के समय भर भर कर दिया। ऐसे आदमी को एक पुलिस अरेस्ट करने वाली है? अगले इलेक्शन के बारे में भी तो सोचो। ये मत सोचो कि अगले इलेक्शन में 4 साल है, अगर मैं चाहूं तो 4 महीने में ही आ जाएगा। इसलिए मेरी बात सुनो, मेरे बात पे गौर करो। क्या कहा? एसीपी को दूं? ये बता, 1 MLA को 10 लाख के हिसाब से 25 MLA के कितने हुए? हाँ करके बोलो, मशीन स्टार्ट करके देता हूँ, 2 घंटे में 25 करोड़ तैयार। होने दो। स्वामी मंत्र शुरू करें। हेलो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अरेस्ट मत करो, ऐसा कह रहे होंगे। आपको वैन में मत लेके आओ, ऐसे बोले। बोलना ही होगा, पॉकेट में क्या, 1 वोट के पीछे 500 रुपया खर्च करके जिताया हूँ। आपको वैन में नहीं, हाथ में हथकड़ी पहनाकर कुत्ते के जैसे घसीट के लेके आने के लिए बोले। ये लो आपका पादुका, पहन लो इसे, पहन लो। पंडित जी जरा रुकिए, पूजा पाठ को आप व्यापार बना रहे हो, शर्म नहीं आती? पैसा लेकर मंत्र बोलकर पाप का उपाय बताने वाले दुनिया में आप जैसे हैं, इसलिए ऐसे पैसे वाले निडर होके पाप करते हैं। पूजा पाठ व्यापार नहीं, धर्म है। चलो। योर ऑनर, कोर्ट की कचहरी में खड़े हुए मिस्टर रंगराज समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधी हैं। 100 से भी अधिक लोगों की जान लेने वाली वो नकली दारू का कारण यही है, ये प्रोसिक्यूशन ने अच्छी तरह से साबित कर दिया है। आपकी तरफ से हाजिर होने के लिए कोई वकील आए हैं या नहीं? अच्छे से अच्छे वकील को पैसा देकर लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आया ही नहीं। मैं हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। इनके लिए आप मुकदमा लड़ेंगी? यस योर ऑनर, ये बेकसूर हैं, इनका कोई अपराध नहीं। इस पे साइन करो। बुरा न माने मैं अनपढ़ हूं, मैंने बोला था ना, कार्तिकेय, परम शिवम, पार्वती, ये जो आई हैं तीनों के अवतार हैं। माता जरा अपना पैर इधर देंगी आप? क्यों? इन कायर लोगों के बीच में धैर्य से आकर आप खड़ी हैं, आपका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ मैं। ओके ओके योन, ये एक झूठा आरोप है, बनाया हुआ मुकदमा। किस आधार पे बोल रही हो? इन्हें अरेस्ट करने वाली राज लक्ष्मी को यहाँ बुलाना चाहूंगी, उनसे पूछताछ करने के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए। यस, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू योन। मिसेज राज लक्ष्मी हाजिर हो। वो एक मेडिकल कॉलेज का ऑनर है, उनके मेडिकल कॉलेज में ये मैडम अपनी बेटी के लिए सीट मांग रही थी। डल स्टूडेंट को कॉलेज में सीट देने से कॉलेज का नाम खराब हो सकता है, इसलिए मना कर दिया। इन्होंने मन में बात रख ली, इस मैडम ने सही समय को देखकर बदला लिया। मैं अपनी बेटी के लिए इनके पास रिकमेंडेशन के लिए गई थी, ये आप प्रूव कर सकती है? मेरा क्लाइंट दारू की मौत का कारण है, ये आप साबित कर सकते हैं क्या? वो नकली दारू बेचता है, ऐसे इसके नौकर ने ही कहा। एक नौकर की बात को सबूत मान सकते हैं तो कई मंदिरों का ट्रस्टी, कई कॉलेज का करेस्पोंडेंट, इसकी बात माननी चाहिए। मिसेस राजलक्ष्मी, आपके नाम के पहले R का इनिशियल है, वो किसका नाम है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इसमें ऑब्जेक्शन किस लिए?
शादी हुई तो पति का नाम इनिशियल होता है, नहीं हुई तो पिता का नाम इनिशियल होता है। इनकी शादी हुई है या नहीं ये जानने के लिए मैंने ये सवाल पूछा। अभी उनके लड़के को मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है ये करके पूछ रही है, अभी उनकी शादी हुई है ये करके पूछ रही है। माय डियर फ्रेंड, शादी हुई है तो बच्चा होना चाहिए, ये कानून नहीं है। बोलिए आपकी शादी हुई है या नहीं? शादी हो गई है। आपकी शादी सामाजिक तौर पर हुई है या फिर चोरी छुपे हुई है? जवाब दीजिए। आई अगेन ऑब्जेक्ट। आप कब से ऑब्जेक्ट चिल्ला रहे हैं, मुझे थोड़ी सी बात तो करने दीजिए। भगवान को साक्षी मानकर, बड़ों के आशीर्वाद से, अग्नि को साक्षी मानकर शादी हुई है या तुम लोगों ने अपने आप तय कर ली थी शादी? शादी हमने हमारी मर्जी से की। हाँ, इसीलिए पूछा क्योंकि समाज में शादी को नाजायज कहा जाता है। यौन ये एक नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानती, इसीलिए हमेशा भगवान को मानने वाले मेरे क्लाइंट के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती है, इनके महत्व को नहीं जानती। जनता का भला हो इसलिए ये आदमी अपने घर में यज्ञ करवा रहा था। ऐसी पुण्य जगह पर जूते पहनकर जाकर इस मैडम ने वहां का उल्लंघन किया है, यज्ञ को रोका है, हाँ या ना? यौन आजकल पुलिस कानून की इज्जत ही नहीं करती, इनकी मर्जी से ये आदमी को डरा धमका के केस बना देते हैं। और ठीक उसी तरह से यौना उनके नौकर को मार पीट कर ये बयान लिया गया है, मेरा क्लाइंट कानून की इज्जत करता है, धर्म की इज्जत करता है, न्याय की इज्जत करता है। पुलिस के गलत साक्षी से इनको मुजरिम करार दिया जाए तो भविष्य में इनके जैसा एक महापुरुष इन जैसे पुलिस ऑफिसर से बलि होने का मूल कारण बन जाएगा। इसके ऊपर लगाम कोर्ट ही डाले, ये मेरी दरख्वास्त है। दैट्स ऑल यौना। हेलो आईपीएस मैडम, बहुत डल लग रही हो, केस हार गई इसलिए दुख हो रहा है? हार से दुखी नहीं होना चाहिए, जरा धीरज रखो। मैडम क्रिमिनल लॉयर, हारने से मुझे दुख नहीं होता है, लेकिन आपने वकालत करके जिसे आजाद कराया है ये मुजरिम के वजह से कितनी औरतें दुखी है पता है? बकवास बंद कर, मंगलसूत्र के बारे में तुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं, जाकर कोई दूसरा केस ढूंढ, उधर भी मैं तुझे देख लूंगी, चल। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक विथ यू। क्या हुआ बेटी? आप मुझे पसंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या हुआ बेटी? जज की बेटी हो तो कोई भी बात तीन बार बोलोगी? मम्मी मुझसे बात मत कीजिए, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मेरे ऊपर क्या गुस्सा? तू बाइक मांगी लेके दिया, कार मांगी लेके दिया, क्लब के लिए पैसा मांगी, तू जितना मांगी उससे ज्यादा दिया, और क्या? आप सिर्फ एक अच्छे पिता ही नहीं बल्कि मेरी मम्मी के अच्छे हस्बैंड भी होने चाहिए, मतलब एक अच्छे पति होने चाहिए, इसलिए कहा। क्या बेटी, राम सीता की जोड़ी है ऐसे सारा शहर बोलता है, मुझे क्या कमी है जो तू ऐसा बोलती है? ये रामायण की स्टोरी आप मुझे मत सुनाइए, मैं भी रामायण पढ़ चुकी हूँ। उस लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी और ये राम शूर्पणखा की बातें सुनकर सीता की ही नाक काट रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। वो वकील गायत्री कोर्ट में हाजिर होते ही उसके पक्ष में फैसला सुना दिया। ओहो, इसलिए गुस्सा हो क्या? सिर्फ गुस्सा ही नहीं, आई वॉन्ट टू किल यू। कनमणि, कोर्ट मेरे मर्जी और चाहत पे नहीं चलती है, एक मुजरिम मेरे मन को मालूम पड़े जरूरी नहीं है, वो मुजरिम साबित होना चाहिए वो जरूरी है। वो सब मैं नहीं जानती, मेरी माँ ने लाया हुआ केस है ना, उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए आपको खुशी होती है ना डैडी? तुम्हारी माँ क्या शत्रु है उनके खिलाफ फैसला सुनाने के लिए? मेरी माँ को आप भले ही शत्रु नहीं समझते, लेकिन वो घमंडी वकील गायत्री तो शत्रु समझती है ना, उसके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, उसके कोर्ट में हाजिर होते ही उसके पक्ष में आपने फैसला सुना दिया। कनमणि, कनमणि तू मेरी बेटी रहे, माँ बनने की कोशिश मत कर, तेरी मम्मी मुझे समझती है, बाकी के बारे में मुझे फिक्र नहीं है। जरा सुन तो राजा, राजा बच्चों जैसी जीत मत कर, थोड़ा खा ले, खा ले, रुक जा। हंस क्यों रहा है? गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप इतनी खूबसूरत हैं कि मैं हंस रहा हूँ। वो कैसे? देखो रोज मेरे पीछे पीछे टिफिन खिलाने के लिए भागती हो ना, वो एक एक्सरसाइज हो रहा है, इसलिए इतनी स्लिम और टक्का टक हो। ए, मैं तेरी बहन हूँ ना। आइए सर।
अरे एक साथ सब अंदर आ रहे हैं, आपका अपॉइंटमेंट है क्या? भाई थोड़ा और झुकते तो कमर का पट्टा पहनाते। आप क्यों कष्ट कर रही हैं? मैं खुद ही खा लेता हूँ ना। खाएगा ना? खा लो, चल जा। दीदी ये क्या? दीदी मैडम आइए बैठिए। नमस्कार। ये क्या है? देख लीजिए। कुछ नहीं जी, ये आम खास बिहार के हैं और इस बंगलोर के खेत के हैं। कश्मीर में भी मेरा खेत है, ये एप्पल उधर का ही है। ये सब किसके लिए? मैं शरीफ नहीं हूँ ऐसा लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये एहसान फरामोश हूँ ये कुत्ता भी नहीं बोल सकता। अगर आप सिर्फ मेरे धंधे के लीगल एडवाइजर बन जाए तो मुझे विधानसभा का हाँ सीएम बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। Shut up and get out, you scoundrel. लगता है मैडम इंग्लिश में हाँ बोल रही हैं। बाहर निकलो यहाँ से। अरे बाप रे। तुम ये सारी चीजें मुझे रिश्वत में दोगे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बचाया है। तू सोसाइटी को बिगाड़ने वाला एक शैतान है। ये सब जानने के बावजूद मैंने तुझे बचाया, वो ये सब तुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। All of you get out, I say. जल्दी जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। राजा तुम्हारी बहन शहर में लॉयर है एंड शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, राइट? अच्छा तुम्हारे पापा तो इस कॉलेज के चेयरमैन है ना, तो ये सब वो कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? वो कनमनी के बारे में, असिस्टेंट कमिश्नर राजलक्ष्मी के बारे में सुने हो क्या? ये उनकी इकलौती बेटी है, उसके पापा हाई कोर्ट के जज हैं। ये इन्फ्लुएंस रख के इतना नाच रही है, पर तुम बिल्कुल मत डरो, कुछ भी रहेगा तो मेरे पास बोलो। उसको डर के कॉलेज छोड़कर मत जाना, क्योंकि तुम्हारे जैसा ग्लैमर पर्सनैलिटी ये कॉलेज को छोड़कर चले जाए ये अच्छा नहीं। झूठ बोल रही हूँ ऐसा लग रहा है? हाय। ए चल यहाँ से। भाई साहब जरा उधर जाइए, पढ़ाकू बच्चों के पास बैठते ही मुझे थोड़ी एलर्जी होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। ए कनमनी चुप नहीं रह सकती क्या? उठ, तेरी चर्बी सब मुझे मत दिखा, उधर दिखा। क्या रे कनमनी, वो आ रही है। जल्दी जाओ सब लोग, जल्दी वो आ रही है, जल्दी करो जल्दी। अरे 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 क्या हुआ? दिखाई नहीं देता क्या? वापस करके दिखाऊं? कीचड़ लग गया है बेचारी को। देख के नहीं चल सकती क्या? तू देख के नहीं चला सकता क्या? मैं देख के आया। बेचारी मुझे पापी बना दिया। ठीक है बाथरूम में जाकर अच्छे से पवित्र होकर घर जाओ। हाँ जा 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 जा। ए, वो आ रही है। राधा जरा इधर आना, तो डरो मत, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आओ आओ। सुपर राधा। ए क्या बोल रहा है, क्लियर बोलना। क्या रही, कल तूने मुझ पर हाथ उठाया, बहुत हिम्मत आ गई क्या तुझमें? हाल उखाड़ दूंगी, समझ गई? चल जा जा। ए बाहर निकल। ए तेरी तो पढ़ेगी ना तो 32 से बाहर निकल जाएगी। चुपचाप शराफत से पढ़ी लिखी की तरह रहे, समझी? ए
राधा राधा, दरअसल मेरा ध्यान ही नहीं रहा, आई एम सॉरी। इट्स ओके। अच्छा, डेली जॉगिंग को आती हो क्या? मैंने कभी देखा नहीं। आपसे डेली आऊंगी। कनमणि, क्या करके पूछ रहा हूँ ना? चार लोगों के सामने उसने मुझ पर हाथ उठाया और पूछ रहा हूँ क्या हुआ? ए, रुक रहे। ए, भूल क्या रहा है? ए, तू इतना बड़ा दादा है क्या? कनमणि को मारने के लिए उतना बड़ा हो गया? ए, मारा नहीं, हाथ उठाया। एक ही बात है, मारा तो क्या, हाथ उठाएगा? उठाया हाथ तो तोड़ दूंगा। ए, छोड़ रहे, मर्द होता तो अपन के रहने के टाइम हाथ उठाता, लड़की को अकेले देख के हिम्मत दिखा रहा है, मर्द बनता है। ए, चल निकल ले यहाँ से, नहीं तो तेरी तो, चल जा। क्यों कनमणि, कैसा रहा? क्या कनमणि, तुझे तो सपोर्ट किया था, मार क्यों रही है? क्या बोला, क्या बोला तूने? मैं लड़की हूँ, हाँ बोल, मैं लड़की हूँ, हाँ। ये तुम्हें कॉलेज नहीं लगा क्या? विधानसभा लग रहा है, कभी भी झगड़ा करते रहते हो। क्यों कनमणि, तुम तो पुलिस ऑफिसर की लड़की हो, तुम तो अच्छा बर्ताव करोगी, मैंने ये सोचा, और तुम भी आवारागिरी कर रही हो। सॉरी सर। ओए, हट रहे, कनमणि बहुत गुस्से में, चल हट रहे। ओए, हट कनमणि। थैंक यू। बैठ रहे। क्या कनमणि, अरे अपना गुस्सा छोड़ना यार। आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है, प्रिंसिपल के पास जाकर कंप्लेंट करता है। मार मार के उसका भुर्ता बना देना चाहिए। उधर देख कनमणि, वो उधर आ रहा है। ए, इधर आ। हाय। प्रिंसिपल के पास जाकर कंप्लेंट करता है। इसमें क्या गलत बात है, अपन टपोरी होते तो उधर ही मारपीट करते, मगर हम कॉलेज में पढ़ने आए हैं और अपने ऊपर बड़े हैं, कुछ गलत होता है तो उनको बताना चाहिए। ओह, उनको बताना चाहिए, देखा क्या? प्रिंसिपल तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? लड़की का हाथ मांगने गए थे? गलत कर रही हो कनमणि। अरे ये लड़की का हाथ कैसे मांगेगा, लड़की को आना पड़ेगा इसके पास इसका हाथ मांगने के लिए। ओए, रुक जा। अगर मर्द है तो अपनी हिम्मत इस पर आजमा। मैं मर्द हूँ वो तो दिखा दूंगा, लेकिन क्या तू मेरी शर्त पूरी करेगी? कौन सी शर्त? आखिरी आज। आखिरी शर्त है या पहली शर्त है वो तो मैं जीतने के बाद ही बताऊंगा। तुम बाद में बताओगे, पहले मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम अगर हार गए तो कल कॉलेज में साड़ी पहन कर आओगे, ठीक है? स्टॉप, 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 स्टॉप। मेरे बच्चे, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तुम लोग ऐसे झगड़ा करने पे क्यों तुले हो? सर, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। प्रोफेसर का काम भी मेरे काम की चीज नहीं है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये दोनों लोग झगड़ा करके आपस में तय करेंगे कि मर्द कौन है।
ध्यान से सुन लो, मैंने इसे हराया तो ये मेरी शर्त पूरी करेगी ऐसा बोली थी, मैंने इसे मार गिराया, अब मैं जीत गया हूँ, मेरी शर्त अब ये पूरी करनी चाहिए। मेरी शर्त क्या है मालूम है? उम्मीद है क्या? उसके लिए अभी टाइम है। ऐ, कल कॉलेज में कौन सा ड्रेस पहन के आओगी? तुम सबको ये मालूम है क्या? नहीं, नहीं। यही तो अरे ये क्या, ये क्या पहन के आ गई? क्या हो गया? अरे कमाल है, देखो तो। अरे कैसी लग रही है? देखो दिख रही है। अरे देखो तो इसको। चारे जाओ देखो तो लखदा दरा, कॉलेज में बन थन के निकली है छोकरी, देखो तो लखदा दरा, गई रे देखो तो लखदा दरा। क्या रे, क्यों मुंह बंद कर रहा है? कितना खर्चा करके देख रहे हैं, पागल कहीं का? मुझे भी देख। क्यों तोड़ा रे? दो लाख की वैन लेके 20 लाख का खर्चा करके अंदर स्नान करने वाली लड़कियों को देखने का प्लान तूने 2 मिनट में चौपट कर दिया है रे रास्कल। कनमनी, बाथरूम में नहाने वाली लड़कियों को वो देख रहा था। कुछ फालतू लड़के अगर ऐसा देख रहे हैं तो तुम्हें भी साइड में खड़े होकर देखना चाहिए ना। वो छोड़कर तुम उनकी गलती सुधारने आए हो, अपने आप को हीरो समझते हो क्या? हाँ, अपनी इज्जत बचाना वो लड़कियाँ जानती नहीं है क्या? उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है? ये होशियारी ना हम लोगों के पास मत दिखाना। क्या मतलब होशियारी क्या? अच्छा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया था या कहीं से गोद लिया था? मुझे पैदा किया, बेटी में रख के नदी में बहा दिया और इन्होंने मुझे नदी से निकाल कर पाल पोस कर बड़ा किया। बातों से तो आवारा ही लगती हो। हाँ? ए, तुझे ही देख रहे थे लोग। क्या कहा मुझे? तुझे कम कपड़ों में इन फालतू लड़कों के साथ घूमना अच्छा लगता होगा, मगर एक बात सुन लो, मेरे साथ रहने वाली किसी भी लड़की का अगर किसी ने कोई अपमान किया ना तो उसका यही हश्र होगा। ए, ये सच है क्या? नहीं कर्मनी, बहुत बोर हो रहा था इसलिए वैन में रखा हुआ टीवी चालू किया बाथरूम की लड़कियों को देखने के लिए। अचानक देखा तो तुम थी, तुम्हारी खूबसूरती में ऐसे खो गए और टीवी ऑफ करना भूल गए। बिल्ली भी 9 घर छोड़कर दूध पीती है और तुम लोग मेरे साथ ही? जाओ यहाँ से। कहो डैडी, एक गुड न्यूज। सर, आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कुंभ के मेले में आपका बच्चा खो गया हो। अरे बेटी कुछ गलत नहीं बोल रही है, खुशखबरी लाई है। सुनिए सर, हिंदी में नहीं बोल सकती है क्या? आपकी बेटी मुंसिपार्टी में थोड़े पढ़ती है, कॉन्वेंट में पढ़ती है सर। ठीक है, वो सब छोड़ो,
तुम मेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हो, जिसने मुझे अरेस्ट किया था वो सरकार गिर गई। कोई सरकार गिरी नहीं पापा। तुमको अरेस्ट करने वाली एसीपी की लड़की को मैं और मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला राजा दोनों ने उसका अपमान कर दिया। कौन है बेटा वो पिस्ता? हे भगवान, तुम भी एक ना पिस्ता बादाम करते हो। कोटी कोटी कमा के रख दिया, ढंग से बात करने भी नहीं आती। उसका क्या करने का है बेटा, बचपन में मैं चावल का रस पी के थोड़ा ही बड़ा हुआ हूँ बेटी। मौसम्मी का रस पीता था। संतरा? हाँ, हम दोनों 8 नंबर दुकान में मौसम्मी पीते थे। ए, अब मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ। जो पुरानी बातें करता रहता है तू। हाँ, हाँ, और बेटी? उसके बाद डैडी, वो राजा ने कनमनी का अपमान कर दिया, अभी भी सोचेंगे ना। डैडी, वो राजा के लिए घर पे हम लोग पार्टी देंगे ना। पार्टी ही ना? हाँ? ये देंगे। ओ डैडी। सर, राधा उस लड़के को जिस तरह से पार्टी देने में इंटरेस्ट दिखला रही है, लगता है आपको जल्दी नाना बना देगी। हेलो। हेलो। हाँ। आई लव यू। हाँ। हेलो। आई लव यू। हाँ। आई लव यू। हाँ। आई लव यू। हाँ। कौन है? हेलो, कौन है आप? मैं ही हूँ, इतनी जल्दी मुझे भूल गए क्या? नहीं नहीं, आपको कैसे भूल सकता हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ। प्लीज भगवान के लिए बता दो ना। आपका भला चाहने वाली एक आत्मा, आपके शुभचिंतक समझ लो। खराब हुए ग्रामोफोन की तरह एक ही बात को क्यों दोहरा रही हैं? आपकी वजह से मैं खा नहीं पा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ, कौन है बताइए ना। आपके शुभचिंतक बोला ना। हेलो, हेलो, बोलिए ना। आपका भला चाहने वाली? नहीं, मालूम है, मेरा भला चाहने वाली एक आत्मा, मुझे याद करने वाला एक जीवन, प्लीज बोलिए ना आप कौन है, प्लीज। अभी तक नहीं पहचान पाए? देखिए, मैं अपना सिर पटक के मर जाऊंगा, फिर फोन करने के लायक भी नहीं बचूंगा। प्लीज बताइए ना। मैं इधर रो रहा हूँ और आप हंस रही हैं। हेलो, इज इट 4566? लाइन कट कीजिए, दादर से फोन है। 4155 66, पकड़ लिया। हेलो एक्सचेंज मैडम, 4155 66 का थोड़ा एड्रेस बताएंगी? जस्ट अ मिनट। हाँ। नंबर 6 क्रिस्टल पार्क एवेन्यू, क्रिस्टल पार्क एवेन्यू रोड, दादर। राजा, बुलाया क्या? बहुत बेचैन लग रहे हो। वो कुछ नहीं दीदी, वो अपना रवि, रवि, रवि। ओ रवि, तो क्या हुआ उसे? वो तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तो जाकर देख कर आओ ना। हाँ, उसको मिलना है, मिलना है। हाँ, जाता हूँ। मिस्टर राजा हैं क्या? मैं तो इधर ही हूँ। हाँ? राजा तो मैं ही हूँ, फिर तुम किसी और को फोन कर रही थी क्या? पूरी रात मेरी नींद उड़ा दी, तुम ही फोन कर रही थी क्या? हेलो, क्यों फोन कर रही थी? हेलो, क्यों फोन किया? तुम्हारे दिल से ही पूछ के देख लूं, मैंने यही सोचा। बोलती हो क्या? ये क्या? वो क्या है कि? वो क्या है कि? हाँ, मतलब मम्मी, 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 मम्मी,
अभी बताती हूँ क्यों किया फोन। आई लव यू। अरे रे शांति तुम इधर ही हो? हाँ? राधा तुमको कहाँ कहाँ ढूंढ रही है? अच्छा चलो। क्या है? मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। कौन से सवाल का? यही, तुमने फोन क्यों किया था? वो तुम्हारे फोन से जाकर पूछो। पूछा था लेकिन फोन ने कहा तुमसे ही पूछ लूं। हेलो, मैं बोलते जा रहा हूँ और तुम चलती जा रही हो। क्यों डांट रहे हो? मैं तुम्हारे जैसे तुम्हारी दीदी से डरती हूँ क्या? ये सब धमकी से मैं नहीं डरूंगी। हाँ ओहो, तुम्हारे धैर्य के बारे में मुझे पता नहीं है क्या? आदमी सामने नहीं रहेगा तो फोन में बकबक करती हो। आदमी सामने आया तो मैंने देख लिया। राजा, इस कलमनी की हिम्मत तुम नहीं जानते। अगर मैं चाहूँ ना तो इधर नहीं, तुम्हारे घर में आके तुम्हारी दीदी के बेडरूम में। अरे रे, गलत मत समझना। तुम पूछ रहे थे ना कि मैं क्या बोल रही थी, वो वहाँ आके बता दूंगी। ए, तुम्हारा बदन ठंडा क्यों पड़ गया? दीदी का नाम दे दी, होश गुल हो गए क्या? डरो मत, मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। अब मैं चलती हूँ। आई लव यू। हेलो, कैसे हैं राजा? अरे अरे अरे, आ गई। अरे उठो, ये क्या कर रहे हो? जल्दी इधर आ जा, इधर चुप चुप, जल्दी चुप जा। मैं किताब पढ़ता हूँ। अरे रे, ये हाथी के बच्चे मरवाई मुझे। चलो उठो, ऊपर आओ, चलो चुप जाओ। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे छुप जाओ, चलो। क्या कर रहे हो तुम बिना? अरे ये मरवाई के मुझे। चलो चलो, सो जाओ चुप करके। राजा बेटा, दूध गरम करके लाई हूँ, पी लो। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? रोज तो मेरे हाथों से पी लेता है, आज क्यों नहीं चाहिए? पी लो। नींद आ रही है आया। ये क्या है राजा, इतनी जल्दी तुझे नींद आती है? क्या हुआ? सिर दर्द। और कमर पकड़ रहा है तू? क्या हुआ? इधर। मैं दवा लेके आती हूँ। नहीं, चला गया। कहाँ चला गया? अच्छा, ये दूध पी ले। नहीं ना यार, तुम जाओ ना। अब क्या हो गया? आया मुझे तो देना है क्या? ये किसकी आवाज? ये तो लड़की की आवाज है। अब क्या हो गया? मैं ही हूँ आया। क्या हुआ? वो सिर दर्द गया था बोला? हाँ, था गया। वो गया नहीं था। हाँ? वो स्ट्रेट होके वो गले में उतर गया था। अरे बाप रे, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। मैं विक्स लेकर आती हूँ। हाँ? तो यही रुकना। अब क्या हो गया राजा, बोल तो सही। क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया? ये हैरान कर रही है, रुक मैं तुझे बताता हूँ। ये ले, मुझे बहुत हैरान किया तुमने। तुझे तो मैं आज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आज से। मैं ओ ओ ओ कमली, रुक। अरे मेरी बात तो सुन। क्या हुआ दीदी? क्या दीदी? हाँ ओ ना, ये क्या क्या कर रहे हो? आजा आजा।
अभी ये मेरे साथ पढ़ती है, इसका नाम है कानमानी। आपको कैसे मालूम? रोजाना तुम्हें बार बार फोन करने वाली लड़की, तुम्हारे भविष्य में दिलचस्पी लेने वाली लड़की, तुम्हारा भला चाहने वाली एक आत्मा, मैं कैसे जानती हूँ यही सोच रहे हो ना? हाँ। ठीक है, मेरे दुश्मन की बेटी होने के बावजूद मेरे भाई से प्यार करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर की बहू मान लेती हूँ। लेकिन क्या तुम्हारी मम्मी हमारी दुश्मनी को भूलकर मेरे भाई को अपना दामाद बनाएंगी? मैं उन्हें मना लूंगी। सपोज नहीं मानी तो? मैं अब बालिग हो चुकी हूँ, ये मैं कॉलेज सर्टिफिकेट दिखाकर प्रूफ कर दूंगी। शाबाश, सबके लिए रेडी लगती हो। लेकिन अगर तुमने इस तरह भागकर शादी की तो तुम्हारे मम्मी डैडी की बदनामी होगी, उसका क्या? मेरी भी बदनामी होगी? हाँ, जैसी माँ वैसी बेटी, ऐसे लोग तुम्हारी माँ को ताने मारेंगे। तुम्हारी लड़की भाग गई ऐसा कहकर उसके मुंह पर थूकेंगे, चलेगा तुम्हें? No, I can't tolerate. मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ए, रुक, बैठ जा चुपचाप। वो लड़की तुझसे प्यार करती है और तू उससे प्यार करता है, इसीलिए अपनी दीदी को भूल जाएगा क्या? कनमनी, हम एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जो सोचो, लेकिन मैं यही मानूंगा, हम दोनों एक दूसरे से मरने के बाद भी जुदा नहीं होंगे। राजा। हाँ कनमनी, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगा, तुम्हारे साथ ही मरूंगा। मेरे ऊपर भरोसा है ना कनमनी? क्या कनमनी, दिन पर दिन हवा की दिशा बदल रही है। ये किस आधार पर बोल रहे हो? वो राजा तेरे पीछे घूम रहा है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। वो राजा नहीं घूम रहा, ये रानी घूम रही है। अरे सरा, तुम लोगों के साथ घूमकर अब दूसरी साइड भी घूमना चाहिए ना। कनमनी, ए, सीधे से बात करो मेरे साथ। मैं अभी सीधे से बोल रहा हूँ, वो राजा के पीछे तू घूम रही है। हाँ, घूमती हूँ। मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है ये जानने वाले तुम मेरे पति नहीं हो, समझ गए क्या? तुम अपनी मर्जी से चल सकते हो, ये अपनी मर्जी से चल सकता है, और मैं भी अपनी मर्जी से चल सकती हूँ। अंडरस्टैंड? कोई भी किसी पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, कोई बचाइए मुझे, कोई बचाइए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज, ये मेरी इज्जत लूटना चाहता है, प्लीज 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 बचाइए मुझे, कोई प्लीज मुझे बचाइए, ये मेरी इज्जत लूटना चाहता है, बचाइए मुझे इससे। मैं जो कह रही हूँ वो सच है, सच है, सच है। बेटा, इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? सर, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, उसने कहा वो मुझसे प्यार करती है, मैं भी उसे प्यार करने लगा। वो मुझे प्यार कर रही थी, लेकिन इसने प्यार का ढोंग किया, आगे मुझे कुछ बोलने का मन नहीं है, प्लीज। So this is an attempt to rape? I object, Your Honor. This is not an attempt to rape. She has volunteered for this. और इस लड़की की मर्जी से ही ये सब कुछ हुआ है। ये तुम साबित कर सकती हो क्या? जरूर। क्रॉस एग्जामिन के लिए परमिशन देंगे तो मैं जरूर प्रूफ कर सकती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मिस कनमनी, कोर्ट में सच बोलूंगी ऐसी आपने कसम खाई है, इसलिए सच ही बोलना। वारदात के दिन क्या थिएटर तुम अकेली ही गई थी? हाँ गई थी। जवान लड़की को अच्छे घर के लोग अकेली फिल्म देखने नहीं भेजते, लेकिन तुम अकेली गई इसलिए तुम्हारे परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा। जो कुछ बोलना है मेरे बारे में बोलो, मेरे परिवार के बारे में कुछ मत बोलो। मिस कनमनी, तुमने राजा को
जान से भी ज्यादा प्यार किया है ना? नहीं, तुम्हारी मर्जी के बगैर राजा ने तुमसे जबरदस्ती की, यही ना? हाँ। तो जबरदस्ती करते वक्त आपके कपड़े नहीं फटे? हाँ, मेरे कपड़े फाड़कर मुझ पर बलात्कार करने की कोशिश की। बलात्कार करते समय राजा के नाखून तुम्हारे बदन पर लगे होंगे? नहीं। इसका मतलब बलात्कार का इल्जाम झूठा है। नहीं, सच में मुझ पर बलात्कार करने की कोशिश की। इसके पहले भी किसी ने आपके साथ जबरदस्ती की है क्या? नहीं। अगर नहीं तो तुम कैसे कह सकती हो कि इसने बलात्कार की कोशिश की है? मैंने अंदाजा लगाया। अंदाजा नहीं, मेरे क्लाइंट को बदनाम करने के लिए ये तुम्हारी साजिश है। कृपा करके आप लोग चुप रहिए। जब वो मुझसे प्यार नहीं करती तो यही मेरे लिए फांसी की सजा है। यह कोर्ट उससे बड़ी सजा मुझे नहीं दे सकती। ऐसा बर्ताव क्यों किया हुआ अभी नहीं बोल सकती, तो बाद में मेरी समाधि पर आकर लिख दे, क्योंकि इसके बाद किसी से प्यार करने से पहले मेरे जैसा कोई और नौजवान इस बात से सबक लेगा। यौन मुजरिम को सजा मिलने से बेहतर उससे ही पाप का प्रायश्चित करवाया जाए, ये भी मानवता का धर्म है। और इसी धर्म को निभाते हुए मैं चाहूंगी कि इस लड़की की इस राजा से शादी कर दी जाए। कोर्ट से दरखास्त है कि इसकी इजाजत दे। बेटी तुम क्या कहती हो? नेवर, मुझे दुनिया के सामने बदनाम करने वाली इस लड़के से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। आपको इसे सजा देनी होगी। इसको जेल में तकलीफ में देखकर इसके घर वालों को भी तकलीफ होनी चाहिए। शाबाश, तुम्हारी इज्जत या जिंदगी जाने का तुम्हें कोई डर नहीं है। बेटा गया तो चलेगा, लेकिन बहू की मांग उजड़नी चाहिए। बहुत अच्छी रीत है तुम्हारी। कलयुग की सावित्री हो ना तुम। कनमनी, तुम्हारे मन में क्या है ये अब सब कुछ समझ रही हूँ मैं। क्या समझ में आ गया? अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो ना तुम। हाँ करती हूँ। तुम्हारी माँ का दुश्मन तुम्हारा दुश्मन, यही मानती हो ना? हाँ, जन विरोधी। तुम्हारी माँ की सबसे बड़ी दुश्मन मैं ही हूँ, जानती हो ना? नहीं मालूम। उनके हर एक केस को मैं तोड़ मोड़ कर रख देती हूँ, उनकी बेइज्जती करती हूँ, जानती हो ना? नहीं मालूम। उनको अपने सीनियर से मेरी वजह से डांट खानी पड़ती है, ये जानती हो ना? नहीं मालूम। तुम्हारी माँ अपनी चाहत की चीज पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाती है, ये मालूम है क्या? नहीं मालूम। तुम्हारी माँ एक एहसान फरामोश है, ये जानती हो ना? नहीं मालूम। अगर मेरी माँ के बारे में और कुछ कहा तो तुम्हें जान से मार दूंगी। रिलैक्स रिलैक्स, प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। कनमनी की माँ की विरोधी, उसकी जन्म की विरोधी ऐसा कहने वाली, इसकी मेरी माँ से बहुत पुरानी दुश्मनी है, ये नहीं जानती, ये झूठ है। इसकी माँ इससे बहुत प्यार करती है, इसी का फायदा उठा के इसकी माँ ने ये पूरा खेल रचाया और ये रेप केस बनाया। नहीं। सच है, इस तरह का गंदा प्लान तुम्हारी माँ ही बना सकती है। अपनी बेटी की इज्जत की परवाह नहीं, बस उस लड़की को सजा मिलनी चाहिए। दो बच्चों के प्यार को बलि चढ़ाने वाली मुजरिम सही में इसकी माँ है और कोई भी नहीं। नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है, ये तुम्हारी माँ का ही प्लान है। नहीं, उनका कोई प्लान नहीं है। मैं दादी के साथ कह सकती हूँ ये तुम्हारी माँ का प्लान है। नहीं, उनकी कोई गलती नहीं, ये मेरा ही प्लान था। That's all, Your Honor. राजा, ए, इस तरह अंधेरे में अकेले क्यों बैठे हो? हाँ? मुझे उजाला ठीक नहीं लग रहा है दीदी। अंधेरे में छुपने वाले दुश्मन हैं, हम नहीं। कौन है वो दुश्मन? दुश्मन दुश्मन बोल रही हो, आखिर वो कौन है? मुझे उस लड़की से क्या दुश्मनी है? प्यार के लिए लड़के लड़कियां माता पिता को बदनाम करती हैं, लेकिन उस लड़की ने अपने माँ बाप के लिए खुद को बदनाम कर लिया, सुना नहीं क्या? इसका कारण कौन है? तुम हो। दीदी, क्यों उस परिवार को अपना दुश्मन समझती हो? बोलो ना, क्यों परिवार में दरार पैदा कर रही हो? क्यों अच्छे दिलों का दुश्मन बन रही हो? ऐसा नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते। धोखेबाज हैं वो लोग। माँ ने मेरी जिंदगी खराब की, बेटी तेरी जिंदगी खराब कर रही है, जानते हो तुम? आज वो राजलक्ष्मी आईपीएस बन गई है। मेरे सहारे उसने डिग्री हासिल की, मेरे पैसों से। वो जो कुछ भी है मेरी वजह से है, एहसान फरामोश। ए, ए, अगर तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो जाओ उनके पास। दीदी, मेरा मंगलसूत्र छीन लिया, मेरा सिंदूर तक छीन लिया, मेरा फूल मुझसे छीन लिया, उसने सब कुछ छीन लिया मुझसे। 7 जन्मों तक जिसे मैंने अपना पति माना, उसी को उसने छीन लिया। सब कुछ छीन लिया। दीदी। हाँ, तुम कहते हो ना इस प्यार से कोई नहीं बच सकता है। तुमने एक नाम तो सुना ही होगा, जस्टिस राजशेखर।
एसीबी राजलक्ष्मी का पति है वो, और एक जमाने में हम एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। दीदी राजलक्ष्मी जिस गांव में ठहरी थी उसी गांव में ये भी ठहरे हुए थे, मेरी पक्की सहेली जो मुझे अच्छी तरह से समझती थी उनको भी मदद करेगी, यही सोचकर मुझे विश्वास था। अरे सब लोग सुनो इस अन्याय को, पैदा किया पिता के सामने बेटी को गले लगा रहा है ये मजिस्ट्रेट, पूजा तो एक हफ्ते के लिए जेल में डालू। अरे बेटी वाह, अपनी सहेली पे भरोसा करके अपने होने वाले पति को यहाँ भेजा था ना, ये देखो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, वो बिजाई लड़की को यानी तेरे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। मैंने पूछा तो मुझे एक हफ्ते के लिए जेल में बंद कर दिया, अकेले में फायदा उठाने के लिए। तुम्हारा बाप पीकर तमाशा करता है। अरे मैं शराबी हूँ, क्या खुद की बेटी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकता हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इन दोनों को एक दूसरे की बाहों में अपनी आंखों से देखा था। राजलक्ष्मी आईपीएस, शाबाश, मेरा भरोसा तोड़ दिया तुमने, तुम्हारी आभारी हूँ मैं। तुम दोनों सुखी रहो, सहारा देने वाली खुद बेसहारा बन गई, अभी समझ रहे हो ना राजा? दीदी, जिसने मेरी जिंदगी को तबाह किया उसको सजा दे रही थी, उसी से बदला ले रही थी। सच कहूं तो बदला नहीं, मैं अपने मन के घाव को मरहम लगा रही हूँ। दीदी, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर भी तुमने अपने मन के तकलीफों से दूर रखा, इसलिए दीदी मुझे माफ कर देना। तुम्हारे शरीर में दौड़ने वाला खून मेरे शरीर में भी है, आज से तुम्हारा दुश्मन मेरा भी दुश्मन है, उनको तड़पा तड़पा के मारना है, ये मेरा काम है। ए, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, दुख बदला ये सब मेरे साथ ही रहने दो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कनमणि, झूठ बोलना गलत है, वो भी कोर्ट में आकर इतना बड़ा झूठ बोली, तेरे में इतनी हिम्मत है? तेरी गलती नहीं है, तेरी परवरिश ही ऐसी हुई है, जैसी माँ है वैसी बेटी। डैडी, जो कुछ बोलना है मुझसे बोलिए, मेरी मम्मी को कुछ मत बोलिए। सिर्फ अंधा प्यार ही काफी नहीं है, पैदा करने वाले माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए, मुश्किल पड़ने पर ही नहीं बल्कि मजबूरी में भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। इसकी क्या सजा है तुझे नहीं मालूम है बेटी? चुप रहो जी, ऐसे क्यों कह रहे हो? आगे से वो कोई गलत काम नहीं करेगी, वचन देती हूँ। मेरे मन को छोड़ो, उस लड़के के दिल को कितना दुख पहुँचा होगा ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेटी, तुमने उसे प्यार किया या फंसाने के लिए नाटक किया? इल्जाम लगाने के लिए प्यार किया। प्यार तो अंधा है कहते हैं, बदला लेने के लिए क्या बेटी तुझे प्यार ही मिला? शादी के पहले गर्भ को गिरा दे ऐसा बोलने वाले इस जमाने में कम ही होते हैं। मेरी समाधि में मेरे प्यार को क्यों ठुकराया ये लिख देना, इतने अच्छे लड़के को तूने क्यों फंसाया? क्या बेटी तुझे प्यार ही मिला? शादी के पहले गर्भ को गिरा दे ऐसा बोलने वाले इस जमाने में कम ही होते हैं। मेरी समाधि में मेरे प्यार को क्यों ठुकराया ये लिख देना, इतने अच्छे लड़के को तूने क्यों फंसाया? हेलो, पुराने दोस्तों को भूल गई क्या? बैठो कनमणि, तुझसे ही तो मिलने आए हैं। ए, कनमणि के कान में क्या बोला? पत्थर बन गई बिचारी। कनमणि सती सावित्री करके बोला।
अरे उसे गुस्सा आने का कारण है, वो कोर्ट में उल्टा हार गई, तू भी उसको उल्टा बोल रहा है। सत्यवती सावित्री नहीं, गर्भवती कर्मणि बोल। क्या मुंह खोला तो गर्भवती भी बोला तो पसंद नहीं आया। चाटा मार दी, चाटा मार दी, चाटा मार दी, चाटा मार दी। ओए कंपाउंड के बाहर जाके चिल्ला, इसने एक बार मारा तू चार बार चिल्ला रहा है, चल यहाँ से। क्या रे, चाटा मारने से तू सावित्री बन जाएगी? राजा, बाप रे, तुमको पकड़ना बहुत मुश्किल है, तुम्हारी तारीफ कैसे करूं? वो क्यों? कोई अपमान किया तो उसका बदले में कैसे अपमान करेंगे? हा? लेकिन कर्मणि के अपमान को भूलकर उसको बचाया, रियली तुम ग्रेट हो। तुमसे रिश्ता रखने के लिए किस्मत होनी चाहिए। राजा, वो खुशकिस्मत मैं बन सकती हूँ, तुमको मैं अपना कह सकती हूँ? राधा, रिश्ते तो खुद बनते हैं, हम उसे बना नहीं सकते। मुझे जो मिला था वो ठीक नहीं था, इसमें एक नया रिश्ता कैसे? खाने के बाद पहन लेती हूँ। कनमणि, तुझे उम्र के साथ अकल नहीं आई? आप में रहेगी तो मुझ में अकल आएगी ना। तुम क्या बच्ची हो? हाँ मम्मी, तुम्हारे लिए तो मैं बच्ची ही हूँ ना। नहीं बेटी, अब बच्ची नहीं हो, माँ के लिए बहुत किया, अब अपने बारे में सोचो। तुम क्या बोल रही हो मम्मी? क्या राजा तुझे पसंद नहीं? पसंद तो है, उसकी दीदी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया वो। हमारा झगड़ा रहने दो, राजा पसंद है या नहीं? पसंद है। बेटी, अगर माँ से प्यार करती हो और अगर माँ की बात तुम मानने वाली हो तो सीधे उसके घर जाओ, उससे और उसके दीदी से माफी मांगो। ठीक है? ठीक है, ठीक है। मम्मी, सब कुछ कोर्ट में साफ कर दिया है ना मैंने। पास्ट इज पास्ट आंटी, वी आर ऑल एजुकेटेड, जो भी हुआ उसे भूल जाइए ना प्लीज। राजा, कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसे अगर तुम भूलने को तैयार हो तो मैं नहीं रोकूंगी। किस बात को भूल जाऊं दीदी, आपके साथ हुए गद्दारी को या फिर मेरे साथ हुए अपमान को?
उसकी इसे क्यों फिक्र होने लगी? कोर्ट तक जाने वाली लड़की को कल कोई अच्छा दुल्हा नहीं मिल सकता। हम तो पहले ही एक बार फंस चुके हैं, दोबारा फंस जाएंगे ऐसी उम्मीद होगी इसकी मम्मी को, इसीलिए इसे यहाँ भेज दिया है। राजा, फंसना या ना फंसना तुम्हारे हाथ में है बाबा। ए, एक जिद के लिए पूरी जिंदगी त्याग देती दीदी ने, उसका ही भाई मैं हूँ। इस जन्म में तो क्या, कभी भी नहीं अपनाऊंगा मैं तुम्हें। निकलो यहाँ से। हे आंटी, आप हम लोगों को मिलाओगे ये सोच के मैं माफी मांगने आई थी, लेकिन आपने अपना शातिर दिमाग। क्या कहा तुमने? अगर तुम्हारी दीदी को मुझ जैसी बेटी होती और उनका किसने अपमान किया होता तो वो मुझ जैसा ही बर्ताव करती। ए, तुम्हारे जैसा बच्चा मेरी दीदी को होता ना तो उसे पैदा होते ही फेंक देता, तुम्हारे जैसी नालायक नहीं होने देता। जाओ यहाँ से। चलो छोड़ो। आज मेरा बर्थडे है, ये लो स्वीट। मैनी मो हैप्पी रिटर्न सप्रदे। थैंक यू राजा। जिंदगी को मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए बिताना चाहती थी। वो तो हो नहीं सका, कम से कम मैं अपने जन्मदिन को तुम्हारे साथ मना सकती हूँ। राधा, इंसान के जीवन में सब कुछ एक ही बार आता है, जन्म, प्यार, शादी, मरण, सब कुछ। मेरे जीवन में भी आके चला गया। किसी की खुशी से जाता है तो किसी का दुख से जाता है, लेकिन मेरा झूठ में चला गया, इसलिए मैं एक बार और प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि दिल से सोच भी नहीं सकता। आई एम सॉरी। क्या ऐसा बोला वो? तो वो भी आज के युग में राम जैसा सोचने वाला है। राम के दिल में रावण की बहन के लिए कोई जगह नहीं थी, तो पूरा लंका ही मिट गया। और उसके दिल में मेरी बेटी के लिए जगह नहीं है तो पूरा खानदान मिटा दूंगा। डैडी। ए पिए। आ गया साहब। पेड़ को काटा तो लकड़ा, कपड़े को काटा तो कमीज, बाल को काटा तो टकला। कब किसको किस तरह काटा जाता मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उल्लू कहीं का पत्रे का डब्बा समझ रखा है क्या? अंदर क्या है मालूम है? नहीं मालूम। खोल के देख। वकील मैडम। साहब, उस मैडम की शादी हुई है नहीं? देखो कैसे टकाटक आ रही है। ए, फालतू बात मत कर, मेरी बेटी की होने वाली ननद है वो। ये सब क्या है? तराजू। मैं ही लेकर आया हूँ मैडम। नेताओं के जब जब जन्मदिन, मरण दिन, शादी का दिन, श्राद्ध आते हैं, उसके हिसाब से सोना चांदी तौल कर देता हूँ। साला, ये सोना देना कोई बड़ी बात नहीं है, एक दे तो दो मिल जाते हैं, लेकिन ये तराजू का भाड़ा फोकट में क्यों दूं? इसलिए मैंने सोचा कि तराजू को ही खरीद लिया जाए। क्या कहती है, ठीक है ना? मैंने ये बार बार भाड़े पे तराजू लेने से मुक्ति ही मिल गई, ये अपना ही तराजू हो गया। और ये तराजू मैं आपके लिए लाया हूँ। ये सब यहाँ लेकर किस लिए आए हैं? पेटी में करके दिया तो आपको पसंद नहीं आया, इसलिए तराजू से वजन करके देने आया हूँ मैडम। What do you mean? किसी भी भाषा में पूछो तो मेरा यही कहना है, मैं आपके दिमाग का गुलाम हूँ और मेरी बेटी आपके भाई की खूबसूरती से घायल है, इसलिए हमें संबंधी बन जाना चाहिए। तैयार होके तराजू में खड़े हो जाइए, जो मांगेंगे दूंगा आपके वजन के वजन से। क्या दोगे रंगराज? सोना, बड़े बड़े हीरा मोती, गोनी भर के इंडियन करेंसी, खरे खरे। वो भी नहीं चाहिए क्या? ब्राउन शुगर, हेरोइन, कुछ भी मांगो मिल जाएगा। मुझे इज्जत चाहिए। वो तुम्हारे पास है? दुनिया भर के लोगों की बुराई करते रहते हो, तुम में क्या खूबी है वो इस तराजू में बैठकर जरा वजन करके देख लो, पता चल जाएगा, बाद में ये बात करना। अरे कितनी बड़ी गलती की मैंने, अपने हाथों से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, ये क्या किया मैंने। छे मैडम, गोबर से औरतें घर लिपती है वो पुण्य चीज है, उसके बारे में गलत मत बोलिए। मार्बल के घर में आप रहने वाली उसका महत्व क्या मालूम? जब तक कोई अयोग्य पकड़ा नहीं जाता तब तक कोई योगी ही है। मैं यहाँ शादी का कार्ड बनाने आया था, अपना तमाशा बनाने नहीं। राजा एक मिनट प्लीज। क्यों मुझसे दूर भागते रहते हो? समझ में नहीं आया या ना समझने का नाटक करती हो? मेरी दीदी और तुम्हारी माँ के बीच में झगड़ा है, उसका बदला लेने के लिए तुमने मुझसे प्यार करने का नाटक का हथियार बनाया। राजा वो गलत है, इसलिए तो मैं तुम्हारे घर तक माफी मांगने आई। माफी मांगी, अपमानित हुई, उसके बाद भी तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? माफ कर दूं?
तुम्हें देखकर एक एक पल तुमसे हुए अपमान की याद मुझे सता रही है। तुम्हारी शक्ल देखना भी मुझे पसंद नहीं है। अरे देखो, ये देखो कनमनी को, अरे ऊपर चल कनमनी, मत कूदना कनमनी, मत कूदना। अगर तुम अब चले गए ना, तो मेरा मुंह कभी नहीं देख पाओगे। हेलो हेलो राजा, कनमनी कॉलेज के टेरेस से कूद गई है, बहुत सीरियस है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। आंटी, कनमनी। बेटा, मेरी बेटी ने गलत किया, मैं इनकार नहीं करती, उसे सजा दो, मार मत डालो। कनमनी, क्यों ऐसा किया तुमने? मैं ऐसा ही करूंगी। ये क्या नादानी है, कुछ हो जाता तो क्या होता? मेरी जान ही चली जाती, इतना ही ना, मैं जिसे चाहती हूँ उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उस दिन मेरी माँ के लिए कोर्ट के सामने मैंने झूठ बोला था, उसका अंजाम क्या होगा ये मैं नहीं जानती थी, मगर चार माले के बिल्डिंग से कूदकर क्या होगा ये मैं जरूर जानती थी, जानकर ही मैं कूदी। क्यों मालूम है? क्योंकि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मैंने सोचा तुम मुझे फिर फंसा रही हो, मगर मैं धोखा खा गया, मुझे माफ कर दो। कनमनी, I love you. एक बार और कहना। I love you. फिर से एक बार कहना तो। I love you. फिर से कहो। फोन आ रहा है आपका। हेलो रंगराज। कौन? गायत्री। वकील मैडम, सुनो, मैंने फैसला किया है कि अपने भाई की शादी बोलिए तुम्हारी बहन से कर दूं। उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। सच है क्या? हाँ मैडम, आप लायर में क्रिमिनल है, मैं लाइफ में क्रिमिनल हूँ। क्रिमिनल क्रिमिनल मिलकर तरक्की कर सकते है, इसलिए ऐसा बोला था उस दिन। आप राजी ही नहीं हुई? अभी मैंने अपनी लड़की के लिए दूसरा लड़का देख लिया है। ओहो, बहुत खुशी हुई। तुम्हारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद मैंने ये फैसला किया है। मैंने सोचा कि तुम्हारी बेटी को एक मौका देकर देखती हूँ। कोई बात नहीं, अगर ये बात तुम्हें पसंद नहीं आई तो। अरे अरे मैडम, मैं तो मजाक कर रहा था, अपना तो रिश्ता ही ऐसा है। मैं अभी आता हूँ। भगवान, अरे लिख लिख के मेरा हाथ दर्द हो गया है। क्या पहाड़ तोड़ दिया? कितना लिखा है देखो, मुंबई पूरा बांटना है ना, ये चीफ मिनिस्टर को, ये होम मिनिस्टर को, ये आपको अरेस्ट करने आई थी ना एसीपी मैडम को। अरे ऐसे क्यों देख रही हो, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। राधा की शादी का मतलब ऐसी थोड़े है, आज तक ऐसी कोई शादी नहीं हुई है, ऐसी शादी होनी चाहिए। वकील मैडम। कन्ना, गोपाला, द्रोणारामा, कन्ना
तुम्हें क्या लगा मैं आदमियों का आवाज दे रही हूँ? 20 साल हो चुके हैं मैंने इंसानों पर भरोसा करना छोड़ दिया, इसीलिए जिन पर मैं विश्वास कर सकती हूँ ऐसे ही जानवरों को अपने साथ रखा हुआ है। स्टॉप इट, इन्हें क्या समझ रहे हो तुम? ये पुलिस में शेर है, कानून व्यवस्था और डिसिप्लिन ये सब संभालती हैं ये, लेकिन ये सब इनके पास है ये पूछकर इन्हें शर्मिंदा मत करो। हम तो हमेशा कोर्ट में मिलते रहते हैं, आज घर पर आई हो, कोई खास काम है क्या? कृपा करके मेरी बेटी और आपके भाई के बीच में अपने अहंकार को मत लाइए। आपका भाई और मेरी बेटी प्यार करते हैं, जानती हूँ, पति पत्नी बनना चाहते हैं, जानती हूँ। इतना मालूम होकर भी आप आपके भाई की दूसरी लड़की से शादी करना चाहती हैं? ये कहाँ का न्याय है? पाप पुण्य धर्म न्याय इसके बारे में तुम बातें मत करो, अच्छी नहीं लगती तुम्हारे मुँह से। प्यार किसी से, शादी किसी से, ये कोई नई बात नहीं है तुम्हारे लिए। इससे पहले कि मेरे कुत्ते तुम पर भौंकना शुरू करें यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे कुत्ते इसके बाद भी भड़कने वाले हैं, लेकिन तुम तो पहले से ही अहंकार में हो। अभी गलती करके अहंकार थोड़ा ठंडा होने के बाद प्रायश्चित भी नहीं कर सकती हो। यहाँ देखो गायत्री, आज मैं तुम्हारे घर आई हूँ, लेकिन मेरी बेटी हार जाएगी ये तुम सपने में भी नहीं सोचना। जाने दो, मुझे मत सताओ, मैं पहले से ही बहुत दुख में हूँ। कनमणि, इतने दिनों की दोस्ती को भूल गई हो क्या? हमसे जो अनजाने में एक बार गलती हो गई उसके लिए हमें माफ कर दो। तुम्हें मालूम पड़े बिना एक काम होने जा रहा है, उसे बताने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। क्यों आई हो? क्या मेरे घर पर बोर्ड लगा रखा है? क्या यहाँ जिंदगी बचाई जाती है? वकालत मेरा काम है। आप एक बड़ी लॉयर हैं ये मुझे मालूम है, आपसे वकालत करके या केस लड़के मैं जीत नहीं पाऊंगी ये भी मैं जानती हूँ। मेरे माता पिता ने गलत किया हो तो उन्हें माफ कर दीजिए, मैंने गलत किया हो तो मुझे भी माफ कर दीजिए, मेरी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए आंटी, मैं आपसे विनती करती हूँ आंटी। मेरे पैर क्यों पड़ रही है? जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की जाकर उसके पैर पकड़ो, यहाँ देखो। हाँ, आज मेरी समझ में आया कि अगर चोट तुम्हें लगेगी तो दर्द तुम्हारी माँ को होगा। तुम्हारी ये आंसू देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, समझे तुम? जो तुम्हारे लिए दुख के आंसू है वो मेरे लिए खुशी के आंसू है। इतने सालों रात दिन सोए बिना मुझे जो तकलीफ दे रही थी वो थी तुम्हारी माँ की बेमानी, अब मेरे दिल से थोड़ी थोड़ी हट रही है, समझी? मेरी गलती के लिए मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन ऐसी बातें मत कीजिए। अगर आप ही ऐसा कहेंगी तो मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है आंटी। हाँ, एक रास्ता है, अपनी माँ से कहो तुम्हें मार डाले। क्या देख रही हो? उसने तुम्हें पैदा किया है, अगर वही तुम्हें अपने हाथों से मार डालेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हारा खून करने के बाद वो मुझसे माफी मांगेगी, मैं माफ कर दूंगी। दीदी, मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बात करने के लिए तुझे पूछने की क्या जरूरत है? दीदी, मुझे ये शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। राज लक्ष्मी किसी का भी मन पल भर में बदल सकती है, लगता है तुम्हारा मन भी बदल दिया। उस दिन तो बहुत जोश में कह रहे थे तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा गुस्सा मेरे शरीर में भी है, क्यों रे? मुझे दिलासा देने के लिए कहा था ये। आपको मैं धोखा दूंगा दीदी? धोखा देने से
एक लड़की की जिंदगी के ऊपर क्या असर होता है यह आपको देखकर मालूम पड़ा। वो दुख आप तक ही रहने दीजिए, वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं शादी को रोकने के लिए कह रहा हूँ। राजा, मैं कभी ये नहीं चाहती कि जो मेरे भाई को चाहिए वो ना मिले। बचपन में मेरा हाथ पकड़कर तुमने जो कुछ भी मांगा मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की है। माँ बाप की कभी तुम्हें कमी महसूस नहीं होने दी मैंने, मगर कनमणि से तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। राजा ध्यान से सुनो, तुम्हें वो बात बता रही हूँ जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई है। राजा, उस दिन जो कुछ भी तुम्हें बताया वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था, सोचा था दूसरा हिस्सा किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन वो तुम्हें बताने की नौबत आ गई। मैं खूनी हूँ राजा, मैंने किसी का खून किया है राजा। क्यों बेटी गायत्री, कानून का हर एक पन्ना पढ़ने वाली तू, शादी के पहले ऐसी गलती कैसे हो गई? डॉक्टर, मैंने सोचा था वो एक अच्छा आदमी है, इसलिए ये सब कुछ हो गया। मैं ये बदनामी को लेकर नहीं जी पाऊंगी, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए डॉक्टर। इट्स टू लेट गायत्री, मेरी जान चली जाएगी तो कोई बात नहीं, मुझे धोखा दिया उस आदमी के बच्चे को लेकर मैं जी नहीं सकती, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए डॉक्टर, ये बच्चा नहीं चाहिए। देखो गायत्री, तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन तेरे भाई को अनाथ होना चाहिए क्या? अगर तू जिंदा रहेगी तो भाई बहन का प्यार आबाद रहेगा, नहीं तो तेरा भाई अनाथ बनकर रह जाएगा। इसके बाद तेरी मर्जी। मेरा बच्चा, मुझे क्या हुआ था, मेरा बच्चा कहाँ है? क्या बेटी, जब ये पेट में था तो मारना चाहती थी, पैदा होने के बाद देखने के लिए बेचैन हो रही है? वो सब कुछ तो मैंने गुस्से में आकर कह दिया था, माँ बनने के बाद बच्चे की अहमियत मालूम हुई है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए डॉक्टर। देखो गायत्री, तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन तेरा भाई अनाथ नहीं होना चाहिए, अगर तू जिंदा रहेगी तो भाई बहन का प्यार आबाद रहेगा। घर में मारना चाहती थी यही सोचकर मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया। मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, बहुत बड़ी पापी हूँ मैं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं बदनसीब हूँ, खुद के बच्चे को ही मार डाला, मेरे बच्चे को ही मार डाला मैंने। राजा, राजा जिस पर बीतती है वही दर्द जान सकता है, बाहर से देखने वाले को उसका एहसास नहीं। सुनो राजा, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी, नहीं तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करो और मुझे स्मशान ले जाना। शायद भगवान को बहुत गुस्सा आ गया होगा और उसने मेरी जिंदगी में दुख दे दी है। माँ नहीं, मिस्टर वर्मा, फ्लाइट लेट हो गया था क्या? फ्लाइट तो करेक्ट ही है, लेकिन ट्रैफिक जाम था, मुझे लगा कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पधार रहे हैं, बाद में मालूम पड़ा सारी कारें तुम्हारे घर आ रही हैं। अरे ये क्या, अभी तक सजना सवरना बंद नहीं हुआ, बैठ के बातें कर रहे हो? अगर जल्दी से तैयार नहीं हुई तो दूल्हा मंगलसूत्र लेकर यहीं आ जाएगा। चलो जल्दी करो। देखा, तेरी ननद शादी से पहले ही तुझे डांट रही है। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, आओ। आइए आइए, मुझे आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है, शादी में नहीं आएंगे इसलिए कार्ड नहीं भेजा, आए हैं तो खाकर जाइए। मैं इधर खाने के लिए नहीं, आपके संधि को देखने आया हूँ। आइए आइए आइए, गायत्री मैडम देखिए कौन आया है। आप सब लोग बाहर जाएंगे क्या? आपको तो शादी का इनविटेशन नहीं दिया था ना मैंने? ओह,
हो, पहले अपनी बीवी को भेजा, फिर अपनी बेटी को भेजा, आखिर में खुद ही आ गए मेरे पैरों में गिरने के लिए। देखा जाए तो मैं तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, जिंदगी में हम एक नहीं हो पाए तो भी व्यवसाय ने हम दोनों को बार बार मिला दिया। शकी लड़की से प्यार करने का गुनाह मेरे लिए भी और राज लक्ष्मी के दुख का एक अंत करने के लिए आया, लेकिन कभी नहीं खत्म हो पाया। मेरी जिंदगी तो सालों पहले ही बर्बाद कर चुके हो, अब क्या लेने आए हो? अभी जो बोलने जा रहा हूँ वो नया ही है। राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, ये क्या, बेटी पैदा की और पिता जेल में था, तुझे जमीन पे छुड़ाने की फुर्सत नहीं थी, पुलिस की मार से पूरा शरीर दर्द कर रहा है, जरा दारू का इंतजाम तो कर। पिताजी, पीने के लिए अगर पैसे चाहिए तो इस घर में मत आइए, किसी के पैसे से पीकर अगर आए और झगड़ा करने के बाद पुलिस ने पकड़ लिया तो मुझे फोन मत करिए। भैया, ये जब से इधर आया है तब से मैं तुम्हारे लिए रुकावट बन गया हूँ, ऐसा करके मैं बाहर जाकर बोलूँ तो तेरी बदनामी हो जाएगी। पिताजी, मैं ऐसा करूँगा तो अच्छा रहेगा ना, तू मेरे लिए दारू की बोतल का इंतजाम कर, दे बाटली। अभी तक पी के आने के लिए मना किया था, अभी से इस घर में मत आइए, यहाँ से चले जाइए। झूठ, चले जाइए पिताजी। मुझे देख कर बाहर जाने के लिए बोल रही है, तुम लोगों को बाहर अपनी शक्ल नहीं दिखा पाओगे, इतना बदनाम कर दूंगा। सही समय पर अपने बेटी की शादी कर देता तो ये सब होता क्या? अरे जरूरत पड़ी तो छुप के कर लेना चाहिए था, दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत थी? इससे पैदा करने से अच्छा मुझे मर जाना चाहिए था। किसकी गलती की है, तुम क्यों जान दे रहे हो? भाइयों, ये मर जाएगा तो हम फंस जाएंगे। अब बोल। छी, चुप रहोगे क्या? क्या सब लोग अपनी मर्जी से बात करते जा रहे हो? राजलक्ष्मी, तुम्हें जो भरोसा करना चाहिए वो बाप तुम पर भरोसा नहीं किया, मुझ पर जिसका भरोसा होना चाहिए वो भी नहीं किया। इधर देखो, आज से यही मेरी पत्नी है। हमेशा मर्द यही कहानी सुनाता है, मजबूरी में शादी करनी पड़ी, दूसरा रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर दो, अपने भाई की शादी मेरी बेटी से कर दो, यही कहने आए हो ना तुम? तुम्हारे भाई से तेरी बेटी की शादी करवा दूं? हाँ? क्यों बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुझे समझा रहा हूँ। राजलक्ष्मी से बदला लेने के लिए कनमानी का जीवन बर्बाद कर रही है। कनमानी उसकी बेटी नहीं है, तेरी बेटी है। गायत्री, तू शादी होने के पहले माँ बन गई, मेरे से शादी तो नहीं की लेकिन पूरी जिंदगी कनमानी की माँ बन के रही, मगर एक भी दिन मेरी बीवी बन के नहीं रही। तुझे धोखा ना मिले, मुझे छुआ नहीं, ऐसे औरत से बदला लेना चाह रही है उसकी लड़की समझ कर अपनी लड़की की जिंदगी बर्बाद मत कर। गुस्सा ज्यादा करेगी तो दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसे ही गुस्से से खुद की जिंदगी बर्बाद की थी और अब अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद मत कर। ओह, मेरे भाई की शादी रोकने का ये आखिरी हथियार है ना? अपनी सहेली पर शक करने वाली तू, कनमनी तेरी बेटी है करके अगर मैं बोलूंगा तो तू मान लेगी क्या? डॉक्टर, वो जो बोल रही है सच है, गायत्री गुस्से और क्रोध में है, इस बच्ची को मार भी सकती है, हमें बच्ची को बचाना होगा। तो ऐसा करते डॉक्टर, ये बच्ची को कहीं अनाथ आश्रम में भर्ती कर देते हैं। अनाथ आश्रम में क्यों डॉक्टर, माँ नहीं चाहिए करके ये बोलने वाला पिता तो है ना, उसी के पास इस बच्ची को पहुँचा दे। हमने शादी तो नहीं की, सच तो है ना, दुनिया की बदनामी और लांछन से बचने के लिए शादी की। आपको मैं जब भी देखती हूँ मुझे तो मेरी सहेली के पति ही नजर आते हो, कोई भी हालात में की हो लेकिन गलत है ये सोचकर मुझे मेरा मन कोसता है, हमेशा दो कदम आपसे दूर रही। अभी एक फैसला करती हूँ, अभी से मैं आपकी पत्नी नहीं, आपके बच्चे की माँ हूँ, अभी से ये मेरी बेटी है और मैं इसे पालूंगी और यही मेरे जीवन का आधार है। डॉक्टर, अभी ही नहीं कभी भी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ये मेरी अपनी बेटी नहीं है, अगर सबको पता चला तो मैं जी नहीं पाऊंगी, ये मेरी कनमनी है। गायत्री, बच्चा पैदा होते ही मर गया था, हम लोगों ने झूठ बोला था। वो बच्ची को तुम पेट में ही मिटाने की कोशिश कर रही थी, पैदा होते ही तुम उसे मार डालोगी ये डर से, जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया, वही तुम्हारी बेटी है कनमणी। ओ
मैं तुम्हें तभी बताने वाला था, मगर कुटुंब जीवन को त्याग कर देने वाली राजलक्ष्मी को तुम्हारी बच्ची से लगाव हो चुका था, इसलिए कनमनी अपनी बच्ची नहीं है करके किसी से नहीं बोलने के लिए मुझसे कसम ले ली। मगर अभी मेरी बेटी की जिंदगी में मुसीबत आने के कारण मैं सत्य को तोड़ रहा हूँ। मेरे पैर क्यों पड़ रही हो? जो तुम्हारे लिए दुख के आंसू है वो मेरे लिए खुशी के आंसू है। हेलो, ए कनमनी, 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 रोकिए, प्लीज रोकिए, मिस्टर रंगराज, कनमनी मेरी अपनी बेटी है, ये शादी नहीं हो सकती, सब लोग चले जाइए, वो मेरी बेटी है। ये शादी नहीं हो सकती, आप लोग चले जाइए, मेहरबानी करके चले जाइए, जाइए यहाँ से, चले जाइए, जाइए ना, जाइए। जब शादी में दुल्हा दुल्हन एक साथ रहते हैं, यहाँ तुम दोनों मेरे खर्चे पे ऐश कर रहे हो। मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र पड़ते ही मैं सुधर के जीना चाहता था, मगर उसकी जिंदगी को तुम बिगाड़ना चाहती हो। अपनी बेटी की शादी मुझे बंदूक के साय में करवानी पड़ी, ऐसी स्थिति आ गई है, और इसका कारण तुम्हें पता है कौन है? वो जो सामने खड़ी है तुम्हारी पुरानी प्रेमिका गायत्री। दावत में तुम्हें इसने ही बुलाया है, और ये शादी रुकवाने वाली भी यही है। उधर तुम्हारी बेटी के जीवन को संवारने के लिए इधर मेरी बेटी के जीवन को उजाड़ रही है। ये रिश्ता इन्होंने खुद तय किया, और अब जब मंगलसूत्र पहनाने का समय आया है तो पुराने रिश्ते को निखार रही हैं। ऐसा करके ये समाज मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देना चाहती है। छी, तेरी क्या इज्जत है? मेरे फैसले से तू कभी सूली पे चढ़ने वाला था, इसकी वजह से जी रहा है। किसी ने भी कुछ बोला तो गोली मार दूंगा, फिर आवाज नहीं खाली धुआं निकलेगा। अच्छा एक काम करो, दुश्मनी को छोड़ो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। अपने भाई को मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहो। ए इधर आ, मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र पहना। रंगराजा, अगर मर्जी ना हो तो भगवान चाहे तब भी दो लोगों को नहीं जोड़ सकता। भगवान, मेरे बारे में तुझे मालूम नहीं? ब्रह्मा के लिए फ्रांस में मंदिर बनवाया, विष्णु के लिए वियतनाम में जुलूस निकाला, शिकागो में शिव का मूर्ति रखा, ये सब नकली दारू के पैसों से किया है। आवाज करेगा तो यही समाधि बना दूंगा। बंदूक दिखा के शादी करवाने का इरादा छोड़ दे, ज्यादा तमाशा करोगे तो कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कानून की बात उसके पास जाकर करना, तो मौत से डरता हूँ। मंगलसूत्र लेकर आ। जो काम किसी से नहीं होता वो काम करने वाला ही रंगराज है। दुल्हन का लेकर आओ। अभी लाया। भोकट में मरमत ये मंगलसूत्र मेरी बेटी को पहना। अगर मैंने ये मंगलसूत्र पहना भी दिया तो भी तेरी बेटी सुखी नहीं रहेगी। सुनो प्यारे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मन से जुड़कर भी एक साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं। इसी तरह बिना मर्जी से साथ में रहने वाले भी बहुत लोग हैं। क्यों, तेरी बहन राजशेखर से जुदा नहीं हुई क्या? यहाँ मौका देकर ये दोनों मिल नहीं गए क्या? ये सब उदाहरण तेरे ही घर में, और तू बकवास कर रहा है? बकवास नहीं करता, सच बोल रहा हूँ। तू तो क्या, कोई भी मुझसे जबरदस्ती तेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र नहीं डलवा सकता। लेकिन मुझसे होगा। मैं तेरी शादी करवाना चाह रहा था और तू मेरी शादी करवाना चाहता है, समझा नहीं क्या? अगर तूने मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाया तो मैं तेरी बहन के गले में मंगलसूत्र पहना दूंगा। मैं तुझे अपने घर का दामाद बनाना चाहता था, मगर तू मुझे अपने घर का दामाद बनाने वाला है। ए, क्या बोला रे? फैसला कर लो, दूल्हा मैं हूँ
या तू है? तू क्यों चिल्ला रहा है रे? तूने तो इन्हें मंगलसूत्र नहीं पहनाया, मैं ही पहना देता हूँ। जिनकी जिंदगी बिगड़ गई थी उनकी जिंदगी बनाने जा रहा हूँ। विक्रम बेताल की कहानी जैसा हो गया ना, ससुर होना चाहता था, दामाद हो गया। बिना शादी के माँ बनने वाली एक लड़की को मंगलसूत्र पहनाने जा रहा हूँ, अपना रहा हूँ मैं। क्या करूँ पंडित, सब भाग गए हैं, दूल्हा भी मैं हूँ, पंडित भी मैं ही हूँ। तुम्हें ये मंगलसूत्र पहना कर तुम्हें अपनी दुल्हन बना लूंगा। राजा, 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 जल्दी क्या हुआ? मेरे साथ चलना, राजा एक बात है, चल जल्दी। राजा साहब, दूल्हे के दोस्त आकर दूल्हे को ले गए, पर उन सबको कोई भागे ना पाए। Thank you.
इन दोनों की जल्दी शादी करा दो। जल्दी करो पंडित जी। बेटी को बचाया, मालूम है आपको? आप मुझे उस हालत में छोड़कर चले गए, ये जाने बिना कि मेरा क्या हुआ? आपने राजा की जान लेने की कोशिश की? राजा तो कन्मनी के लिए बना हुआ है, आप उन्हें अलग मत करो। आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं ना, तो उन्हें जीने दो। देख लिया गायत्री, खुद को पसंद नहीं किया तो भी पसंद के हुआ जान के लिए धर्म युद्ध चला रही है ये लड़की। मगर तेरे लिए जिस सहेली ने त्याग दिया और खुद के कोख से जन्मे हुए बच्ची को कितना सताई। मुझे माफ कर दो राजलक्ष्मी, चाहे कितने भी जन्म लूं अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकती। I'm sorry. मेरी बच्ची। अब ऐसे क्या देख रहा है, मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र पहना, जल्दी कर। इधर देखो, इतने दिनों तक मैं तुम्हारा भाई था, इसलिए आरे जारे करके बोलती रहती थी। अब मैं तुम्हारा दामाद हूँ, इसलिए मुझे इज्जत से बुलाओ, समझी क्या? बेटी, हम एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढ लेंगे। दीदी। कबूतर को उड़ाया तो समाधान, साड़ी को उड़ाया तो अपमान। ये कहावत आपको पसंद आया या नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आया। समाधान वैसे ही है जैसे कि एक चक्र का नोक, अगर उसको निकाल दिया तो चक्र नहीं चलेगा। जाइए जाइए, शादी की तैयारी कीजिए, सारा खर्चा मेरी तरफ से हो।